ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। लखीमपुर खीरी हिंसा के बाद प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के एक्टिव रिस्पांस को देखते हुए यह कहा जाने लगा है कि इससे कांग्रेस पार्टी में एक नई जान फूकी गई है। सोशल मीडिया पर तो यह भी कहा जा रहा है कि प्रियंका ने यूपी में कांग्रेस को संजीवनी दे दी है, लेकिन असल में लखीमपुर कांड का राजनीतिक फायदा किसे होगा? क्या लखीमपुर कांड के मुद्दे पर जिस तरह से प्रियंका गांधी और अब राहुल योगी सरकार को घेर रहे हैं, उससे क्या कांग्रेस के यूपी में अच्छे दिन आएंगे? चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की माने तो ऐसा नहीं होने जा रहा है। प्रशांत किशोर ने कांग्रेस के लिए दिल तोड़ने वाला ट्वीट किया है। लखीमपुर हिंसा को लेकर प्रशांत किशोर ने ट्वीट किया है कि जिन लोगों को लगता है कि लखीमपुर कांड की वजह से कांग्रेस की अगुवाई में विपक्ष त्वरित वापसी करेगा, वह गलत फहमी में है। बता दें कि सियासी खबरों के मुताबिक प्रशांत किशोर और कांग्रेस के बीच बातचीत अब टूट चुकी है और पीके ममता के लिए पर्दे के पीछे रहकर काम कर रहे हैं। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि पीके ने इस ट्वीट में कहीं भी कांग्रेस का नाम नहीं लिया है। हालांकि पीके ने ट्वीट में कांग्रेस की बजाय जीओपी यानी ग्रैंड ओल्ड पार्टी लिखा है, जिससे साफ है कि उनका निशाना कांग्रेस की तरफ ही है। पीके ने यह भी लिखा है कि दुर्भाग्य से ग्रैंड ओल्ड पार्टी की गहरी की समस्या और ढांचागत कमजोरी का कोई तत्कालीन समाधान नहीं है। वहीं कांग्रेस के सूत्रों से जानकारी मिली है कि चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर को कांग्रेस में शामिल नहीं किया जाएगा। पार्टी के आलाकमान ने वरिष्ठ नेताओं की सलाह पर यह फैसला लिया है। आलाकमान के निर्देश पर 3 सदस्यों वाली कमेटी ने इस मुद्दे पर चर्चा की थी। एके एंटनी, अंबिका सोनी और केसी वेणुगोपाल को कांग्रेस नेतृत्व की तरफ से ये जिम्मेदारी दी गई कि वो वर्किंग कमेटी के सभी सदस्यों से छोटे छोटे ग्रुप में बैठकर उनकी राय ले। हालांकि प्रशांत किशोर सलाहकार या फिर रणनीतिकार के रूप में कांग्रेस के साथ आगे भी काम कर सकते हैं। आपको बता दे, प्रशांत किशोर जाने माने चुनावी रणनीतिकार है। पीके अपनी कौशल का लोहा कई बार मनवा चुके हैं। उनके लिए कहा जाता है कि वो कोई भी बात हवा में नहीं कहते हैं। बंगाल में पीके ने कहा था कि भाजपा 100 सीट नहीं जीत पाएगी और अंत समय में वो इस बात को दोहराते रहे। रिजल्ट भी पीके के कहे अनुसार ही रहा। पीके की हर बात के पीछे रिसर्च होती है। सियासी गलियारों में पीके के इस बयान को लेकर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो यूपी। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।